हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का रिएक्शन विथ मेटल्स एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन विथ मेटल्स क्या होता है? तो रिएक्शन विथ मेटल के अंदर विथ मेटल तो रिएक्शन विथ मेटल तो जैसे देखिए, हम आर के साथ कोई भी मेटल हो तो उसको हम जैसे क्या है, उसको हम ऑर्गेनोमेटाइल कंपाउंड कहते हैं। तो आर का मतलब क्या होगा? अल्काइल। यहाँ कोई भी मेटल हो, अल्काइल के साथ मेटल हो, क्योंकि ऑर्गेन कंपाउंड है तो कार्बन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड होगा ही। जैसे यहाँ पर सीधे अगर CH3 Mg लिख दे, ठीक है, तो CH3Mg लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 और Mg हो गया। तो CH3Mg को हम यहाँ पर ये C हो गया ऑर्गेनिक, ये क्या होगा, मेटल हो गया, तो इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में कहते हैं। तो इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के अंदर भी डाल सकते हैं, और गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जो होता है उसके अंदर, इसमें हमको पढ़ना है दो चीज़, गेरनार्ड रिएक्शन और दूसरा पढ़ना है हमको उज रिएक्शन। तो गेरनार्ड रिएक्शन के अंदर देखिए, गेरनार्ड रिएक्शन क्या होता है, इसको हम जैसे लिखते हैं RMgX। तो R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ इथाइल लिखिए, मिथाइल लिखिए, प्रोपाइल लिखिए, ब्यूटाइल लिखिए, उसी तरह आर है, तो आर की जगह जो भी हमको लिखना हो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनो, तो ये ऑर्गेनो मेटालिक हो गया, तो ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हो गया। तो गिरनार्ड पढ़ेंगे तो आर हमारा है सी, मतलब यहाँ पर इथाइल लिखेंगे, कोई भी चीज़ लिखेंगे तो सी तो हमारा होगा ही होगा, तो CMgX। तो यानी कि यहाँ हम चाहे इथाइल रखिए चाहे मिथाइल रखिए, आप रखते हैं CH3MgX। ये कैसे कनेक्ट होगा, CMgX, ये क्या हो गया हमारा, कार्बन हो गया, ये क्या हो गया आपको, मेटल हो गया। तो क्या ऑर्गेनिक हो गया, ये मेटल हो गया, तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हो गया हमारा, तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ भी हमारा कोई भी हम सी लेंगे आर के जगह पर, मतलब इथाइल लेंगे, अगर यहाँ मिथाइल नहीं, इथाइल लेते तो हम क्या लिखते, CH3 CH2 MgX। तो CH3 CH2, तो CH3 को CH3 हो गया आपको, CH, इस CH2 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर Mg लगा हुआ, यानी कि इसके पीछे क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा, कुछ भी जुड़े तो क्या होगा हमारा, इसी में जुड़ेगा हमारा, इथाइल हो प्रोपाइल होगा तो एक कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, ब्यूटाइल होगा तो और जुटेगा, तो एक कनेक्शन हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, कार्बन, ये क्या हो गया, मेटल, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या हो, मेटल, तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हो गया ये हमारा। तो इसके अंदर हमको पढ़ना है गिरनार्ड रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन। तो हम इसके अंदर गिरनार्ड लिखते हैं, तो गिरनार्ड रिएक्शन को हम लिखते हैं RMgX से लिखते हैं। तो RMgX लिखे तो ये जो होता है R में, हमारा R में अंदर C होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, तो RMgX, इसमें क्या होता है कि मेटल जितना भी होता है, मेटल जितना भी होगा सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होता है। सिंपल ऐसे समझिए कि जो भी मेटल ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, मेटल ग्रुप है तो मेटल ग्रुप के अंदर जो होगा आपको जो इलेक्ट्रॉन, सिंपल से आप समझते कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा। और पीरियड टेबल के अंदर अगर थोड़ा सा पता होगा, पीरियड टेबल के अंदर ये लेफ्ट साइड बीच में ये जो हो जाएगा पीरियड टेबल के अंदर, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये जो भी राइट साइड वाला केस होगा इधर, ये आपके, तो इसके अंदर जो है बीच में ऐसे देखिएगा, इधर नन मेटल होता है, इधर बीच में मेटलॉइड होता है, जितना सब मेटल होता है, यानी इधर जो भी आते हैं आपको पॉजिटिविटी, पॉजिटिव करेक्टर पड़ता है, इधर जो जाते हैं आप तो निगेटिव कर, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ता है, इधर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बढ़ता है, मतलब इधर जाते हैं तो आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं, अगर इधर आते हैं आप तो आपको इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ता है, इधर जाइएगा आप तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होता है, पूरे
पेरिटोनियल के अंदर यही होता है। तो यानी कि मेटल जो भी है आपका इस सेक्शन के अंदर है, तो इधर जो भी होगा जैसे जैसे इधर की तरफ आइएगा तो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ते चल जाता है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ेगा। यानी कोई भी मेटल है, सिंपल सा समझिए ऐसे, अगर कोई मेटल है और कोई भी आपके नॉन मेटल है, तो मेटल हमेशा देने के काम करता है, वो लेने का काम नहीं करता है, ठीक है। और जो भी नॉन मेटल होगा, यानी नॉन मेटल इधर होता है आपका, यानी कि इस साइड जो नॉन मेटल जा रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ जाए, इधर हमारा मेटल है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ेगा। तो ये मेटल क्या करेगा हमारा, ये मेटल पे ये अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव करेक्टर आएगा, ये लेगा तो क्या होगा, निगेटिव करेक्टर आएगा। तो यहाँ पर हम पार्शियल निगेटिव दिखा देते हैं, यहाँ पर हम पार्शियल पॉजिटिव दिखा देते हैं। तो पार्शियल पॉजिटिव हो गया, तो अब ये क्या करेगा हमारा, अब ये किसी को देते, जब यहाँ पर रिएक्शन होता है किसी के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो ये चीज़ एक ही चीज़ होता है, अगर आप कोई भी H के साथ या किसी के साथ रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे H, मैंने कोई भी आपको इसके साथ H के साथ OH रखना है OH रखिए, ये H के साथ OR रखना है रखिए, H के साथ O CO कोई ग्रुप हो जो भी आपको रखने का मन हो, ये एच के साथ आप NH2, यानी कि इससे मुक्त निगेटिव होना चाहिए। जिसके पास एच हो इस सब क्या होगा, एच प्लस, अगर इससे मुक्त निगेटिव, क्योंकि एच और ओ में मुक्त निगेटिव कौन होगा, ओ। आपको अभी बताया है कि आपको निगेटिविटी इधर की तरफ बढ़ता है, निगेटिविटी बढ़ेगा यानी कि ओ इधर साइड है आपका, ऐसे हम लिखते हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिखते हैं ना, तो इस तरफ हमारा क्या होता है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते चल जाएगा, हाइड्रोजन आपका इस साइड आता है, तो ये क्या करेगा अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन निगेटिव रखेगा, तो निगेटिव रखेगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, उसी तरह से यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये कोई भी कंपाउंड हो जिसके पास एक H हो और ये मुक्त निगेटिव अगर है, तो ये क्या करेगा, H दे देगा, ये क्या करेगा, H दे देगा, ये क्या करेगा, H दे देगा, ये क्या करेगा, H देगा, और ये H जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ये सब के सब H यहाँ पर जाएगा, और अब माइनस वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, जो भी माइनस वाला ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर जाएगा, जितना भी माइनस वाला ग्रुप है कहाँ पर जाएगा, तो Mg पर जाएगा, तो Mg पर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है हमारा, कि ये H यहाँ जाएगा तो RH बन जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, इसलिए गिगडांड को बोला जाता है अल्काइल एनाइन। इसको अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं, ये हम देखें अभी अल्काइल, इस पर क्या आ रहा है, निगेटिव, तो अल्काइल पर अगर निगेटिव, यानी कार्बन पर निगेटिव है, यानी कि क्या होगा, अल्काइल पर निगेटिव आया, तो अल्काइल पर जो निगेटिव आएगा तो क्या हो गया, कि अल्काइल एनायन हो गया, निगेटिव चार्ज जब होता है क्या बोलते हैं उसको, एनायन, तो इसको हम अल्काइल एनायन ग्रुप कहते हैं। इसीलिए गिगडांड को क्या बोलता है, अल्काइल एनायन कहा जाता है, डोनर, माने कि कब किसी अल्काइल, जब गिगडांड देगा किसी को तो निगेटिव चार्ज देगा, इसलिए गिगडांड को, यानी कि इसको अल्कानियन डोनर बोला जाता है, यानी जो भी आपका रिएक्शन होगा इस पे होगा, ये हट के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो गिगडांड पहले हम देखते हैं गिगडांड रिएक्शन होता कैसे है, गिगडांड बनता कैसे है, तो सिंपल सा है, आप आर लीजिए, आर एक्स प्लस Mg और ड्राई ईथर डालिए, आपको मन है कि इस R के जगह पर इथाइल रखिए, मिथाइल रखिए, प्रोपाइल रखिए, ब्यूटाइल रखिए, जो भी रखने का मन हो, बेंजीन रखिए, कुछ भी आपको रखने का मन है रख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर ये बन जाएगा आपको R Mg X, ये क्या बन जाएगा आपको, R Mg X बन जाता है, तो ये आर एम जी एक्स जो आपको बना, तो आर एम जी एक्स जो हो गया आपका, तो इस आर एम जी एक्स के अंदर ये हम यहाँ पर हम ड्राई यूज़ किए हैं और ईथर यूज़ किए, यहाँ पर अगर आप एक्वस यूज़ कर दीजिएगा तो हो सकता है कि ये इसके अटैक करने से पहले OH ग्रुप यहाँ अटैक कर जाए, अगर एक्वस कंडीशन रहेगा तो, या तो अगर यहाँ पर भी ये अगर बन चुका है तो भी अगर आप एक्वस कंडीशन डालिएगा तो हो सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल, जैसा कि हम आपको हम यहाँ दिखाए हैं कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या किया है आपको, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल H यहाँ गया है, OH यहाँ गया, यहाँ पर अल्केन बना देगा, ये वाटर ही हमारा है
OH यहाँ गया तो क्या होगा MgX, और ये OH बन जाएगा, और H यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा RH बनेगा, या R के जगह पर R ही है तो यहाँ क्या बन जाएगा RH, यानी कि यहाँ जो आपको बन जाएगा आपको RH प्लस MgX, ये OH बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है, MgX और OH ग्रुप बन जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये आपको बन जा रहा है, यानी कि अगर हमारा एक्वस कंडीशन रहेगा तो क्या होगा, एक्वस कंडीशन रहेगा तो हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा अल्केन बन जा रहा है। हो सकता है कि एक्वस डालेंगे तो यहीं पे ही अटैक कर जाए, इसको बनने ही नहीं दें, हो सकता है कि इसको डायरेक्ट बन जाए आर ओ एच बना लें, ठीक है, और एच एक्स निकाल लें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एम जी को अटैक करने से पहले यही अटैक कर जाए तो आपको ये बना लेगा। इसलिए जब भी ये बनता है आपको एक्वस कंडीशन में नहीं ड्राई कंडीशन में बनता है ग्रिग्नान हम, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इससे रिलेटेड, एक्वस कंडीशन क्यों, क्योंकि एक्वस कंडीशन के अंदर क्या बना देगा, ये अल्केन बना देगा। फिर देखिए जैसे हमारा क्या है CH3 क्लोरीन, यहाँ पर आप CH3 क्लोरीन है तो वहाँ पर MG ड्राई ईथर डालिएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 MgCl, यहाँ पर मन है CH3 CH2 ब्रोमीन लेने का मन है, MG ड्राई ईथर डालिए तो CH3 MgBr बनेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको नहीं मन है यहाँ पर बेंजीन लेने का मन है आपको, यहाँ पर क्लोरीन ले लीजिए, MG ड्राई ईथर यूज़ कीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये बना देगा आपको MgCl बना देगा, ठीक है। मन है नहीं आपको ऐसा कोई कंपाउंड लेने का, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन ले लिए, यहाँ पर मन है लगा दीजिए MG ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH MG, अब आपका यहाँ पर Cl है तो Cl डाल दीजिए, जो रहेगा हम लास्ट में वो हम डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा ये रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से हम ग्रिग्नार्ड है, अब ग्रिग्नार्ड बन गया, ठीक है। एक्वस कंडीशन हम क्यों नहीं यूज़ किए, क्योंकि एक्वस कंडीशन में हमारा क्या बना रहा था, अगर हमारा ग्रिग्नार्ड बन भी गया बायदी हम CH3 MgBr दे भी दिए, अगर हम वाटर डालेंगे तो हमारा क्या बन जाता था, हम जानते थे कि इस पे हमारा क्या आएगा प्लस, इस पे हमारा क्या आएगा माइनस, वाटर को हम लिखते हैं कि H पे प्लस आएगा और OH पे माइनस आएगा, तो ये प्लस माइनस पे जाएगा, ये माइनस ये इस पे जाएगा, ठीक है। तो ई ढंग से हो जाएगा आपका। तो अब हमारा क्या है, जब ये बनाएगा तो क्या बनेगा CH4 बनाए, एक CH3 था ही, एक H और जुड़ गया, ये क्या बन गया हमको CH4 बन गया। अब क्या है MG पे MG, ठीक है MG, अब हमारा ये BR था ही और ये एक OH ग्रुप जुट गया, MgBr OH बन गया, ठीक है। ये ढंग से, यानी कि इसीलिए हम एक्वस यूज नहीं करते क्योंकि वो ग्रिग्नार्ड को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ग्रिग्नार्ड को ही ख़त्म कर देगा, ग्रिग्नार्ड को हम ख़त्म तो करना नहीं, इसलिए हम एक्वस कंडीशन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे तो हम लिखे थे कि R MgX, यानी कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये किसी को देगा इसको हम अल्काइल एनायन है ये हमारा, तो इसको हम अल्काइल एनायन डोनर में ग्रिग्नार्ड को हम, यानी ग्रिग्नार्ड जो कहते हैं ग्रिग्नार्ड इज आल्सो कॉल्ड अल्काइल एनायन डोनर, ये किसी को देगा तो यही देगा, ठीक है। वैसे सिंपल सा है, आप CH3 MgBr बन गया,
आप इस पे वाटर इस्तेमाल कीजिए तो क्या बनेगा, आपको पता है H प्लस कहाँ जाएगा यहाँ, ओ एच कहाँ जाएगा यहाँ, क्या लिखिएगा सी एच फोर एम जी एम जी ओ एच यहाँ पर बी आर। इसी में आपको मन है नहीं एन एच थ्री लगा दें, आपको पता है कि H प्लस यहाँ जाएगा, एन एच टू कहाँ जाएगा, क्योंकि H को हम लिखते हैं H जो भी प्लस है यहाँ एन एच टू या माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एन एच टू जब माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, एन एच टू माइनस होगा तो H प्लस यहाँ चल जाएगा और एन एच टू माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको सी एच फोर एम जी यहाँ पड़ जाएगा पी आर यहाँ पड़ जाएगा एन एच टू। यानी कि इस तरह से आप जो भी यूज़ कीजिएगा, अगर अल्कोहल यूज़ करना है तो H प्लस यहाँ जाएगा और जो बाकी वाला पोर्शन है यहाँ चला जाएगा इस ढंग से। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। हम इसमें देखेंगे उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, आर एक्स सोडियम और ड्राई इथर डालिए, तो ड्राई इथर डालिएगा तो क्या होगा, आर आर एन ए एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम उर्ज रिएक्शन के लिए यहाँ दो इस्तेमाल करेंगे, यहाँ दो आर बना है तो दो दो बार सोडियम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दो एक्स है तो दो एक्स निकलेगा, तो दो बार यहाँ सोडियम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू एन एक्स हो जाएगा। निम्न रिएक्शन जिन हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी अगर आप सीधे आर एक्स सोडियम लिखिए तो सीधे डबल हो जाता है, तो ये उर्ज रिएक्शन हो गया। यानी कि आपको कभी भी दे सी एच थ्री सी एल और सोडियम और ड्राई इथर, या सीधे करके भी सोडियम भी दे देगा तो सवाल ऐसे ही बनेगा, यानी कि सी एच थ्री सी एच थ्री रिएक्शन में। जब तक नेमिंग रिएक्शन कहेगा तो यही लिखना है, अगर रिएक्शन देता है तो आपको साइड प्रोडक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं टू एन ए सी एल लिख ले, यहाँ करने का मन है तो कीजिए, लेकिन रिएक्शन के दौरान ये करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कि सी एच थ्री सी एच टू सी एल दे दिया आपको, आप क्या कीजिए सोडियम और ड्राई इथर इस्तेमाल कीजिए, तो क्या करेगा ये सी एच थ्री सी एच टू दुगुना हो जाएगा ये, तो फिर इसके अंदर फिर हम सी एच टू सी एच थ्री बना देंगे, यानी कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, इसका क्या होगा आप लिख सकते हैं ब्यूटेन हो गया हमारा, ठीक है। ये ढंग से आप जोड़ सकते हैं। मन है कि ऐसा कोई कंपाउंड बनाने का मन है कि ऐसे दे दें क्लोरीन और सोडियम ईथर देने का मन है तो डायरेक्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा। हम ट्वेल्थ के अंदर इसका मैकेनिज्म होता है कैसे होता है हम ये नहीं बताएंगे, फिर आप लोग को थोड़ा भारी हो जाएगा, इसलिए इस सेक्शन को यहीं पे ज़्यादा डिटेल्स लेके जाएंगे। लेकिन सिंपल से इसमें देखना है जो भी हम चीज़ देते हैं उसको क्या करता है ये डबल कर देता है। तो यहाँ पर आप नेमिंग रिएक्शन के अंदर आप ये सारा चीज़ लिखना है, सिंपल सा अल्काइल हैलाइड में हम सोडियम ईथर डालेंगे तो हमको आर आर और ये बनता है। बाकी आपको आप यहाँ पर डबल दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख दीजिए, यहाँ पर डबल दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कहीं रिएक्शन है, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते। अगर ये से दिया हुआ लिखा हुआ सिर्फ सोडियम भी लिखा हुआ है तो आपको ब्यूटेन बना देना है, अगर आपको यहाँ पर भी सोडियम ही लिखा है तो ब्यूटेन बना देना है। तो इस ढंग से इसके अंदर रिएक्शन होता है, जैसे आपको दे दिया ऐसे, जनरली थ्री डी पर होता नहीं है, वैसे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मान लें कि आपको क्लोरीन यहाँ पर दे दें और सोडियम और ईथर लिख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, आपको जस्ट दुगुना हो जा रहा है। ये यहाँ से कट करके देखिए, ये दुगुना है, यानी कि इसका जो था दुगुना हो गया है, तो बस इसके अंदर इतना ही जाए ड्रेस नहीं पड़ना है। अब हमको देखना है इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के अंदर जल्दी होता ही नहीं, क्योंकि बेंजीन पे क्यों नहीं होता, हमारे ये प्रमुख चार कारण, रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए अगर हमारा बेंजीन है इस पर कोई अगर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है
तो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसके पास लोन पेयर होगा, ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड इफेक्ट आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड इफेक्ट आ जाएगा तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, तो यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना कठिन हो जाएगा। तो पहला हो गया रेजोनेंस इफेक्ट के चलते, दूसरा हो गया आपको, दूसरा कारण है आपका डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है आपका, यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ जो डबल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। जिन लोगों को नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा ऐसे जान लीजिए, जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उसको ऐसे गिन लीजिए कि s p p और p। तो उसके लिए आसान है कि जितना सिग्मा बॉन्ड उसको उतना बढ़िए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है तो 1 2 3 की तरफ जाइए, तो कितना, 1 s है और 2 p है। बाकी हम डिटेल से आगे हम एक सेपरेट वीडियो सब लिए डालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है का सारा लेवल के लिए। अभी जो लोग नहीं जानते हैं 12th लेवल के लिए, बस ऐसे पकड़िए जितना सिग्मा बॉन्ड हो उसको ऐसे बढ़ते जाइए, 2 सिग्मा बॉन्ड होते यहाँ तक होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होते यहाँ तक होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होते यहाँ तक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, ढंग से होते चले जाएगा। तो sp2 है, तो sp2 में क्या होता है, s कैरेक्टर ज़्यादा है। तो s कैरेक्टर ज़्यादा होने से क्या होगा कि यहाँ जो इसके c और x के बीच में जो बॉन्ड है उसको क्या कहें, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड, इसको टाइटली पकड़े रहेगा, जिसके चलते ये स्ट्रांग हो जाएगा, इसके चलते आपको इस पर अटैक नहीं होने देगा। फिर आपका जो है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, अगर बाय द वे सेल्फ आयनाइजेशन हो भी जाता है किसी कारण से, बाय ये टूट गया तो क्या हो, इस पर आपको प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। प्लस चार्ज अगर इंड्यूस हो जाता है तो ये करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि रेजोनेंस ये, क्योंकि अंदर में ये रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसको स्टेबलाइज करेगा कौन, कोई नहीं स्टेबलाइज कर पाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम SN1 रिएक्शन तो इसमें हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि SN1 रिएक्शन में हम पहले भी बताएं कि अगर टूटता है बॉन्ड कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन फिर आपको फर्दर रिएक्शन होता है, तो कार्बोकैटायन तो बनेगा ही नहीं, जब बनेगा ही नहीं तो आपको क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपको इलेक्ट्रॉन क्राउड, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबको छोड़िए, सिंपल से ऐसे सोचिए, आपके पास अगर कोई बेंजीन है तो क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और आप जो है किसी भी न्यूक्लियोफाइल को लेके यहाँ पर अटैक कराइएगा, तो यहाँ पर अटैक कराइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये एक आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये दोनों में क्या होगा, आने देगा ये यहाँ पे नहीं आने, जैसे ही अगर रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये सब है एक रीजन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए बेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर होता है तो हमको क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हम इसको हम खींचने वाला ग्रुप अगर लगा दें, हम पीछे खींचने वाला ग्रुप इसमें लगाते चले जाएँ तो ये न्यूक्लियोफाइल आते चले जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना घटेगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है उतना घटेगा, ये उतना करीब आते चले जाएगा। इसलिए देखते हुएगा हम देखते हैं आगे कि जितना हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे हमारा रिएक्शन उतना ही आसान होते। पहला रिएक्शन जो दिया हुआ है NCERT के अंदर कि क्लोरीन है आपका बेंजीन पे लगा हुआ, आप अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन कराएं हम इस पे NaOH से, मतलब OH को क्लोरीन का हटा के OH से रिएक्शन कराना है, तो ये संभव नहीं है। आप चाहिए कि हम बना लें बेंजीन इस तरह से OH लगा के, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी पता है क्योंकि मेनली जो कारण है रिपल्सन का, क्योंकि जब ये हटेगा माइनस के रूप में हटेगा, यानी कि यहाँ जाने ही नहीं देगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा क्या, तो हमको इसके लिए बलजोरी कुछ करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर 623K डालना पड़ता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा 300 ATM डालेंगे तो जाके ये रिएक्शन सक्सीड होता है, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में हम H+ डालेंगे तो जाके ये रिएक्शन होगा, ठीक है।
इसी में हम पहले हम बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन घटाते चले जाएं, तो जैसे हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन घटाते चले जाएंगे हम, तो जैसे हम एक ग्रुप लगा दिए इसके अंदर, एक ग्रुप कहीं भी लगाइए आप, ऑर्थो पारा, तो यहाँ हम लगा दिए, यहाँ हम लगा देंगे तो यह क्या हुआ आपका, देखिए अब टेम्परेचर भी घट जाएगा और प्रेशर भी घट जाएगा। मेन जो हम बताए थे यही मेन रीजन होता है जिसके चलते आपका रिपल्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो रिएक्शन होता है आपका वो नहीं होने देता। देखिए एक ग्रुप मात्र लग गया तो टेम्परेचर कितना हुआ, लगभग लगभग 180 डिग्री के अंतर हो गया इसके अंदर, ठीक है, और आपको तो प्रेशर देना ही नहीं है, तो ये आराम से रिएक्शन होना शुरू हो गया। फिर एक लगा दीजिए, आपको मन है एक और ग्रुप लगा दीजिए, अब कहाँ है, जब भी लगाएगा कहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ यहाँ और यहाँ, क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। अगर नहीं जानते हो तो इस ढंग से जान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ नेगेटिव ले जाएगा, फिर यहाँ पाए है तो इसको यहाँ नेगेटिव ले जाएगा, फिर यहाँ पर ले जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंड्यूस हुआ हुआ है। तो जहाँ पर ये क्या ऑर्थो पारा ऑर्थो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारा है ऑर्थो पारा ऑर्थो ये तीनों पोजीशन पे है, तो ये खींचने में लगा तीन ही पोजीशन पर लगेगा। तो अब नेक्स्ट हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएं चाहे यहाँ तो लगा हुआ, यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाए, कोई बात बराबर है, तो हम अब वहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन लग गया, अब यहाँ पर NO2 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया, एक NO2 यहाँ लगा दें। अब जो हमारा रिएक्शन होगा, अब देखिए मात्र 368 K पे होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर तो लगाना ही नहीं है H+। अब रिएक्शन क्या होगा हमारा, फास्ट होना शुरू हो गया। तो अभी हमको OH, ये क्या हो गया हमको NO2, ये NO2, ये हमारा रिएक्शन हो गया इसके अंदर। अब हम एक और लगा देते हैं, एक और लगाएंगे तो जस्ट वार्म पर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हम इसको हम वार्म कर देंगे वाटर। देखिए तो जितना हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम खींचे उतना हमको फर्दर रिएक्शन, यानी कि इनमें मेन जो रिएक्शन जो था क्या कि वो रिएक्शन नहीं होने दे रहा था, वो था आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्सन की वजह से, ये तीन हो गया, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसके अंदर जो मेनली रिएक्शन होता है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं,